तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को रियल में एक लावा फ़ोन बताने वाला हूँ जो आप लोग को बाय कर लेना चाहिए अगर आप लोग का बजट है 20 या फिर 21,000 या फिर 22,000 के इर्द गिर्द का अगर आप लोग का बजट है तो इस वीडियो पर बिल्कुल आप लोग अपने नज़रों को गड़ाए रखें एंड कान बिल्कुल खुले रखें एंड वीडियो को अंत तक देखते रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे और मस्त रहे। चलो गाइस, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले, पहला फोन आता अपना इंडियन ब्रांड की तरफ से लावा अग्नि 2 5G। सीरियसली मार्केट को किल कर दिया अगर 20,000 के प्राइस के हिसाब से देखते हो, क्रेजी डील है। बाकी अब बात करते हैं अपने दूसरे फोन की, तो अपना दूसरा फोन आता है रियलमी 10 Pro Plus 5G। ये वाला जो अपना फोन है वैसे 25,000 के प्राइस पे मिलता है 6GB की रैम 128GB की रोम के साथ। एंड अपना जो लावा का फोन है लावा अग्नि 2 5G, ये वाला फोन आपको 8GB की रैम 256GB की रोम के साथ मिलता है भाई 22,000 के प्राइस पे। तो 22,000 के प्राइस के हिसाब से भाई अगर आप लोग देखते हो 8GB की रैम भी मिल जाए, 256GB का स्टोरेज, लावा ने भाई सीन में मतलब आग लगा दी भाई। सीरियसली मतलब मुंबई बुला लो भाई, इतना तगड़ा काम कर दिया। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चाहो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर देना, सकते मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो जैसे स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं भाई कौन सा फोन हम लोगों को लेना चाहिए, मतलब शुरू में बता दूं तो। हाँ भाई चलो आपको शुरू में बताता हूँ। अगर आप लोग भाई एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देख रहे हो, डेफिनेटली भाई लावा है। एक तो आप भाई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ले रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फोन भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, मतलब प्राइस एंड स्पेक्स काफ़ी अच्छी मिल दिया, तो इसको ही तो वैल्यू फॉर मनी कहते हैं। मतलब चलो दूसरा पॉइंट अपना आता है कि भाई आपको जो ब्रांड मिलता है आपको इंडियन ब्रांड मिलती है, तो इंडियन ब्रांड होने के नाते भाई हमारा भी फर्ज बनता है अगर कोई इंडियन ब्रांड एक अच्छा काम करे तो डेफिनेटली हम लोगों को वाली ब्रांड कंसीडर करनी चाहिए। जैसे कि भाई टाटा, मतलब हैरियर देख रहे हो आप लोग भाई, तहलका भोकाल कार लगती है। मतलब आई नो इस प्राइस के अंदर आपको भाई दूसरी गाड़ियाँ मिलती है, ऐसे कि मतलब आप लोग मतलब थोड़ा महंगा बजट वगैरह करते हो तो आपको फॉर्चुनर मिलती है, बट स्टिल हैरियर भाई मेरे को बहुत तगड़ी लगती है। 6 पैसों में बहुत सस्ती हो फॉर्चुनर के आगे, पर स्टिल भाई हैरियर मतलब दिल ले जाती है काले रंग की। बाकी मुद्दे से ना भटक तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने लावा अग्नि 2 5G के डिज़ाइन की। तो सबसे तगड़ी चीज़ की फ़ोन आपको जो मिलता है ना, मतलब ग्लास बैक के साथ मिलता है, मतलब 22,000 के प्राइस पे ग्लास बैक बहुत सही चीज़ है। एंड उसी के साथ बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिलते हैं। अभी वेट नहीं पता फोन का कितना होगा एंड थिकनेस भी मेरे को पता नहीं कितनी है, बट जैसे ही कुछ आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा या फिर पिन कमेंट में अप्डेट कर दूंगा। बाकी बात करते अपने रियलमी 10 Pro Plus 5G के डिज़ाइन की, तो ये फोन दिखने में कैसा है, तो इसके अंदर भाई थोड़ी सी कंजूसी वंजूसी कर ली। एंड बैक साइड आपको प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। फोन आपको मिलता है 177 ग्राम के अराउंड का, एंड इस फोन का भी भाई अभी थिकनेस नहीं पता कितनी है, बट जैसी पता चलेगी मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा, पिन कमेंट में बता दूंगा। बाकी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो अपने लावा के फोन में आपको मिलता है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस का कर्व OLED पैनल, 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट, पंच होल वगैरह, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए डिस्प्ले के अंदर वो सारी मिल जाती है। एंड उसी के साथ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, 10 बिट का पैनल मिलता है, 950 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, HDR10+ का भी सपोर्ट मिलता है। वहीं बात करते हैं अपने रियलमी 10 Pro Plus 5G की, तो इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस का OLED पैनल, 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट, पंच होल वगैरह, कर्व पैनल वगैरह, तो डिस्प्ले के अंदर दोनों ही फोन आपको डिट्टो मिल जाते हैं। बट फर्क आता है तो भाई बैक साइड के अंदर जो आपको अपना लावा का फोन मिलता है आपको ग्लास बैक के साथ मिलता है, अपना रियलमी जो फोन है वो प्लास्टिक बैक के साथ मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर मैं तो जरा लावा को ग्रैब करना चाहूंगा। बाकी बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे के अंदर अपने लावा के फोन में बैक साइड में नंबर में तो 4 कैमरे मिलते हैं, बट काम के ना मतलब इतने नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्टिमाइजेशन पे मेरे को पर्सनली इतना कुछ अभी ट्रस्ट है नहीं, बट हाँ मैं क्या पता मैं गलत हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ कि भाई लावा के कैमरे बहुत तगड़े हो, मैं दिल से चाहता हूँ बट मेरे को लग नहीं रहा। बाकी जो आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का मिलता है, दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का, चौथा कैमरा 2 मेगापिक्सल का। बाकी आप लोग फोन से फुल HD के अंदर वीडियो तो रिकॉर्डिंग कर पाओगे ये तो कंफर्म है, बट 4K का भी पता नहीं है। बाकी बात करते हैं सेल्फी की, तो आपको 16 मेगापिक्सल की मिलती है। वहीं बात करते हैं अपने रियलमी की, तो रियलमी के फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, प्राइमरी कैमरा नंबर में तो 108 का मिल गया, मतलब लावा से डबल का सेंसर नंबर मिल चुका है यहाँ पे। एंड वही बात करते हैं दूसरे कैमरे की, तो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का मिलता है, 2 मेगापिक्सल का इधर भी यूजलेस कैमरा मिलता है। बाकी फोन से इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। देखो कैमरा वाइज मैं बोल सकता हूँ कि आपको रियलमी स्लाइटली बेटर मिलेगा, इवन स्लाइटली से भी ज़्यादा बेटर मिल सकता है, बट लावा पे इतना मेरे को ट्रस्ट नहीं है अभी, बट हाँ जब तक अभी आउटपुट वगैरह भी नहीं आए कैमरे के, बट स्टिल मेरे को लगता है कि आउटपुट आने के बाद भी इतना कुछ अच्छा होगा नहीं। पर मैं ये बोलूँगा आप लोग किसी का कैमरा कंपैरिजन डेफिनेटली चेक कर लेना, वहाँ पर आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन सा फ़ोन किस कंडीशन में कैसी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। एंड मैं चाहता हूँ कि सीरियसली मैं इधर गलत हूँ कि लावा के कैमरे बहुत तगड़े निकले, मैं ये बात दिल से चाहता हूँ।
बाकी बात करते हैं प्रोसेसर की, तो अपने लावा के फोन में आपको मिलता है डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर, वही अपने रियलमी के फोन में आपको मिलता है डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर। अभी नंबर में आपको लावा का प्रोसेसर तगड़ा लग रहा होगा, बट दोनों प्रोसेसर बराबर के ही है, मतलब नंबर नंबर का फर्क कर दिया इधर, यही फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, मतलब दोनों ही प्रोसेसर बाकी बढ़िया है। 6nm बेस्ड प्रोसेसर, ऑक्टा कोर के प्रोसेसर एंड मान लीजिए 68 का आपको GPU भी मिल जाता है। तो लावा एंड रियलमी के दोनों के ही प्रोसेसर भाई अच्छे मिल जाएंगे, दोनों के अंदर आप लोग गेमिंग वगैरह कर लोग ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो प्रोसेसर में ड्रॉ कहेंगे। बाकी बात करते हैं बैटरी की, तो अपने लावा के फोन में 4700mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 66W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 66W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। वही अपने रियलमी के फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 67W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको बॉक्स के अंदर 80W का फास्ट चार्जर मिलता है। बट ऐसा नहीं कि आपका फोन 80W से चार्ज होगा, आपका फोन 67W से ही चार्ज होगा फास्ट चार्जिंग से। तो बैटरी के अंदर आप लोगों को भाई रियलमी का फोन बढ़िया मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं, तो अपने लावा से शुरुआत करते हैं, तो आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता। बाकी उसी के साथ आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ दी बॉक्स मिल जाता है, एंड्रॉइड 14 एंड 15 का लावा ने कंफर्म कर दिया कि आपको देखने को मिलेगा अपडेट, नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है। एंड उसी के साथ फोन में आपको 13 बैंड मिलता है 5G के, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है, कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, इधर आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, LPDDR4X RAM टाइप मिलते हैं, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है एंड फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बात करें अपने रियलमी के फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर भी आपको 3.5mm का जैक तो नहीं मिलता, इधर भी आपको मेमोरी कार्ड का कोई स्लॉट नहीं मिलता, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, वाइड वाइल L1 का सपोर्ट मिलता है, 11 बैंड मिलते हैं, जबकि आपको लावा के फोन के अंदर 13 बैंड मिलते हैं। बाकी LPDDR4X RAM टाइप एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है, जो दोनों में ही सेम है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिलता है, 360Hz का टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है, 950 nits की पिक ब्राइटनेस मिलती है, जो अगेन आपको सेम मिल जाते हैं लावा के फोन से। बाकी आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, रियलमी UI 4.0 आपको मिलता है। बात करते हैं वेरिएंट प्राइस की, अपने लावा के फोन में आपको 8GB की रैम 256GB की रोम मिलती है 22000 के प्राइस पे। बट अगर आप लोग इस फोन को फर्स्ट सेल के अंदर बाय करोगे एंड आप लोगों के पास किसी भी बैंक का मेजर बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, देन आप लोगों को 2000 का ऑफ मिल जाएगा एंड आप लोगों को फोन पड़ जाएगा 20,000 के प्राइस पे। वही अपने रियलमी के फोन के अंदर आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिलती है 25,000 के प्राइस पे। एंड जो भी इस फोन का 8GB की रैम 256GB की रोम वाला वेरिएंट होगा, उसका प्राइस मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर दूंगा, क्योंकि सेम वेरिएंट से ही हम लोग अगर फोन को जज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे हिसाब से इसका जो 8GB की रैम 256GB की रोम वाला वेरिएंट होगा, उसका प्राइस होगा कुछ 27,000 या 28,000 के अराउंड का, बाकी आपकी स्क्रीन पर मैंने ऑलरेडी आपको शो कर दिया। तो अगर आप लोग देखोगे कहाँ 22,000 में आपको लावा कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है 8GB की रैम 256GB की रोम के साथ, वहीं आपको रियलमी का फोन 28,000 के अराउंड के प्राइस पे इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से भाई वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली लावा हो जाता है। बट अभी बात करते हैं कौन सा फ़ोन कहाँ पर आगे निकलता है। सबसे पहले बात करते हैं भाई दिखने की, कौन सा फ़ोन कैसा दिखता है। मेरे को डिज़ाइन वाइज लावा तगड़ा लगा, ग्लास बैक वगैरह मिलती है तो तगड़ा काम करें, एंड ऊपर से भाई इंडियन ब्रांड है तो डेफिनेटली हम लोग सपोर्ट करेंगे एंड ओवरऑल आप लोग देख सकते हो कि डिज़ाइन के अंदर आपको लावा बढ़िया मिलता है। बाकी बात करते हैं कैमरे की, तो कैमराइज आप लोगों को रियलमी स्लाइटली बेटर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का काफ़ी फर्क पड़ता है, रियलमी मतलब सही काम कर रही है तो ऑप्टिमाइजेशन में आपको रियलमी बेटर मिल सकता है, तो ये वाला सीन है। बाकी बात करते हैं प्रोसेसर की, दोनों ही फोन आपको ड्रॉ मिल जाता है, प्रोसेसर डिपार्टमेंट में कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, दोनों ही फोन के प्रोसेसर आपको बढ़िया मिल जाते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट में आपको रियलमी का फोन बेटर मिलता है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी भी आपको स्लाइटली बेटर मिलती है एंड फास्ट चार्जिंग भी आपको स्लाइटली बेटर मिल जाती है। वही अपने लावा के फोन में आपको 13 बैंड मिलता है। तो अभी आप लोगों मैं क्लियर कट बताता हूं, अगर आप लोग एक वैल्यू फॉर मनी अच्छा फोन देख रहे हो देन डेफिनेटली आप लोग अपने लावा की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आप लोग एक ऐसा फोन देख रहे हो जहां पर आपको कैमरा स्लाइटली बेटर मिल जाए एंड बैटरी का आउटपुट स्लाइटली बेटर मिल जाए, देन आप लोग अपने रियलमी के फोन की तरफ जा सकते हो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा। पर्सनली मेरे को ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड ज्यादा अच्छा लावा का फोन लगा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो एंड अगर आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड या शेयर कर लो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी बढ़िया OP OG वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।